वन इलेक्शन को लेकर के दिल्ली से ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ गई है। कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है, तो वन नेशन वन इलेक्शन पर अब मंजूरी मिली है। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के लगातार केंद्र सरकार प्रयासरत थी और उसके बाद से अब कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के लगातार जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही है और इस बीच कैबिनेट से एक खबर सामने आई है कि इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें यानी कि देश में लोकसभा चुनाव और इसके साथ साथ जो राज्य हैं वहां के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और इसको लेकर के कई दलीलें भी दी गई कि किस तरीके से फायदा पूरे देश में होगा और कैसे कम संसाधन में हम एक साथ चुनाव करा सकेंगे, पैसों की बचत कैसे होगी और एक सिस्टम कैसे काम करेगा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो सकेगा और सभी लोग एक साथ वोट लोकसभा चुनाव के लिए और इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी डाल सकेंगे। यानी कि चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो या फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चुनाव हो, सभी एक साथ किए जाएंगे और मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर यह बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से बता रहे हैं जहां कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। मोदी कैबिनेट में यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें तो आने वाले जो चुनाव होंगे वो अब एक साथ कराए जाएंगे और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। और बता दें कि कोविंद कमेटी के प्रस्ताव को जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। तो इससे पहले जो रिपोर्ट थी वो सामने आई कोविंद कमेटी की और उसके बाद से अब इस पर मुहर भी लगा दी गई है, यानी कि केंद्रीय कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। थोड़ी देर के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी विस्तृत जो जानकारी है वो दी जाएगी कि ये प्रस्ताव अब मंजूर कर लिया गया है। दिल्ली संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनूप, मोदी कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर हो चुका है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। अमितेश हमारे साथ माफ कीजिएगा जुड़ेंगे। अमितेश, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मोदी सरकार ने फैसला लिया है, कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कल ही इस बारे में जानकारी दी थी कि जल्द ही सरकार इसी कार्यकाल में इसे लागू करेगी, उस पर मुहर लग गई है। और वन नेशन वन इलेक्शन अब इस बार 2029 में यानी जो लोकसभा चुनाव होंगे वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही होंगे, एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, इसको लेकर के अब प्रक्रिया आगे शुरू की जाएगी। तो निश्चित रूप से बड़ी खबर है जिसको लेकर के सरकार ने लगातार तैयारी की है, पहले से भी लगातार बातचीत इसको लेकर के होती रही है, एक आम सहमति बनाने की कोशिश की गई और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जिस तरह से कमेटी बनाई और लगातार कमेटी ने अलग अलग पक्षों से बात की, अलग अलग जो दल हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो, क्षेत्रीय पार्टियां, सबने अपनी बात जाकर के रखी कमेटी के सामने और उसके बाद एक सहमति बनी थी। रामनाथ कोविंद कमेटी ने सिफारिश की थी कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, एक साथ लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होना चाहिए और 2029 से इसको लागू करना चाहिए, उस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी कवायद है, बड़ा फैसला है और सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो लगातार बार बार कहा जाता रहा है कि कई योजनाओं को लागू करने में, पॉलिसी बनाने में दिक्कत होती है आचार संहिता के चलते और सरकार के कामकाज में भी बाधा उत्पन्न होती है, कई योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जा सकता है, इसमें परेशानी होती है बार बार, जब देखिए हर जगह इलेक्शन ही होता रहता है, तो उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला है। 2029 से सब कुछ एक साथ होगा, लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, इसको लेकर के थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफिंग होगी जब केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस को संबोधित करेंगे, उसमें इसका खुलासा करेंगे। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार ने फैसला कर लिया है, कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। जी अमितेश, बन रही हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजेश जी, मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर के, आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये मोदी मंत्रिमंडल यानी मोदी कैबिनेट है, तो मोदी कैबिनेट जो फैसला लेना चाहेंगे ले लेंगे। देश क्या चाह रहा है, 11 साल होने चल रहा है, मोदी जी क्या फैसला किया, क्या वन नेशन वन पेंशन हुआ, वन नेशन वन सैलरी हुआ, वन नेशन वन एजुकेशन हुआ, वन नेशन वन डेवलपमेंट हुआ, वन नेशन
वन इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं या देश में वन नेशन वन ठेकेदार की बात चल रही है, नरेंद्र मोदी जी को पहले अपने, लेकिन राजेश जी जो फायदे गिनाए जा रहे हैं केंद्र की तरफ से भी और सहमति भी बनाने की कोशिश की गई कि कैसे हम कम संसाधन में इस वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हम एक साथ चुनाव करा सकते हैं, आचार संहिता वगैरह लागू हो जाते हैं तो विकास के कार्य बाधित होते हैं, जो फायदे गिनाए गए हैं उससे क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? बिल्कुल, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के फायदे गिनाने से इत्तेफाक रखता है 2013 से अब तक लगभग कई हजार लड़िया प्रधानमंत्री जी ने कर लिया, उसे सिर्फ फायदा गिनाया है। दो टर्म प्रधानमंत्री रहे यानी कि 10 साल 100 दिन हो गए, उसमें देश को क्या फायदा दिए ये प्रधानमंत्री नहीं बता पाए। प्रधानमंत्री एक निर्णय लिए थे नोटबंदी, जो प्रधानमंत्री अपने नोटबंदी को अपने लागू नहीं रख सकते, 2000 के नोटबंदी किए, 1000 के चालू किए।